हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल आज हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में ये एक फैसिनेटिंग टॉपिक है जिसमें हम देखते हैं कैसे प्लांट्स बिना सीड्स के रिप्रोड्यूस करते हैं चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ए सेक्शुअल रीप्रोडक्शन इसके कुछ एडवांटेजेस है लाइक like, ये क्विक एंड एफिशिएंट है क्योंकि सीड प्रोडक्शन का प्रोसेस स्किप होता है न्यू प्लांट्स जो ग्रो होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं विच मीन्स दे रिटेन ऑल द गुड क्वालिटीज ऑफ द पेरेंट प्लांट लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है जेनेटिक डायवर्सिटी का लैक होता है जो कि एक प्रॉब्लम बन सकता है व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज अगर एक प्लांट एक डिजीज से ससेप्टेबल है तो सब ऑफ स्प्रिंग भी वल्नरेबल होंगे अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में स्पेशल रूट्स ये रूट्स स्पेशली अडेप्टेड है फॉर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एग्जाम्पल स्वीट पटेटो इनकी रूट्स स्वेल कर जाती है और न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करती है स्पेशल स्टेम्स ये स्टेम्स ग्राउंड के ऊपर या नीचे ग्रो करती है Example, ginger, rhizome, strawberry, runner. Rhizomes underground stems होते हैं जो new shoots and roots develop करते हैं Runners ground के ऊपर grow करते हैं और new plants produce करते हैं Stem cutting. ये एक common method है जिसमें stem का एक part cut किया जाता है और soil में plant किया जाता है Example, rose, special leaves, कुछ प्लांट्स की लीव्स भी रिप्रोड्यूस कर सकती है एग्जाम्पल ब्रायोफिलम लीव्स के एजेस से न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं आज हमने डिस्कस किया वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में ये एक अमेजिंग प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स बिना सीड्स के ग्रो कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए Thank you for watching, see you in the next video.